फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बेसन के पापड़ बनाएंगे। बेसन के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में 2 कप बेसन, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर सभी को मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ज्यादा टाइट नहीं, हल्का सॉफ्ट डो ही बनाएंगे। डो बन गया है, अब इसे एक कपड़े से ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे दोबारा से गूंथ लेंगे। अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लेंगे और डो की छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। अब इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बन गए हैं, अब थोड़ा सा बेसन ले लेंगे। पापड़ को सुखाने के लिए कपड़े को बिछा लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे और इसे बेसन से कोट कर लेंगे। अब इसे बेल लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही बेलेंगे। देखिए ये बिल चुका है, अब इसे कपड़े पर रख देंगे और सूखने देंगे। इसी तरीके से बाकी पापड़ भी बना लेंगे। सारे पापड़ बन गए हैं, अब इसे रूम टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए सूखने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब पापड़ को देख लेते हैं। ऊपर से तो पापड़ सूख गया है, लेकिन अभी दूसरी साइड से पापड़ सूखा नहीं है, इसलिए अब इन्हें पलट कर रख देंगे और दूसरी साइड से भी सूखने देंगे। दूसरी साइड से भी कुछ 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से सूखने देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, अब पापड़ को देख लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सूख गया है। ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से सूखा होना चाहिए। हमने पहले ही सरसों के तेल को गर्म कर लिया था। ध्यान रहे हम सरसों के तेल में ही पापड़ को फ्राई करेंगे, क्योंकि सरसों के तेल में पापड़ ज्यादा टेस्टी बनते हैं। गैस को मीडियम ही रखेंगे। अब एक पापड़ को तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। हमें इसे फुलाना नहीं है, इसलिए हम इसे प्रेस करेंगे जिससे ये फूले ना। हल्का फ्राई होने पर ही निकाल लेंगे। प्रेस करने पर भी पापड़ हल्का हल्का तो फूल सकता है।
इसी तरीके से बाकी पापड़ भी फ्राई कर लेंगे। बेसन के पापड़ बनकर तैयार हैं। कुछ पापड़ तेल में डालने के बाद फूल जाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से प्रेस करेंगे। आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और आप इसे एक से दो हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।